गाइज हेलो गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। हम लोग आज खड़े हैं गुड़गांव में, ये 270 स्क्वायर यार्ड 3 BHK। लेट स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द लॉबी एरिया। और ये जो है ये साउथ फेसिंग है फ्रेंड्स, और बताना चाहूँगा कि ये इसका हो गया ड्राइंग रूम, जो कि आप देख सकते हो काम सारा अच्छा करा गया है इसमें। फ्लोर्स में इटालियन मार्बल पूरी लगी हुई है इसमें। ये किचन हो गया काफी बड़े साइज का। एक ये फर्स्ट बेडरूम हो गया, इससे अटैच्ड ये वॉशरूम है। ये दोनों ये हॉल से भी और इस रूम से भी कॉमन वॉशरूम है, और दो बेडरूम इधर हो गया। लेट स्टार्ट द ब्यूटी फ्रॉम द लॉबी एरिया, जो कि आप देख सकते हो इसमें फॉल सीलिंग का प्रोविजन दिया हुआ है सारा कुछ। फ्लोर्स में भी सारा इटालियन मार्बल का काम करा गया है इसमें, जो कि आप देख सकते हो ये काफी देखने में अच्छा लग रहा है। एसी का प्रोविजन इसमें मिल रहा है आपको, और काफी बड़े साइज का ये ड्राइंग रूम है, और इसमें आपको टीवी कैबिनेट का एक प्रोविजन मिल रहा है, जो कि आप देख सकते हो ये। और इससे अटैच थी ये फ्रंट बालकनी हो गया, क्योंकि दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे भी इसका मार्बल का काम करा गया है। और ये इसका रेलिंग हो गया, प्रॉपर रेलिंग है ये, और यहाँ पे ग्लास का काम करा गया इसमें। ये इसका कुछ डिजाइन हो गया, जो कि आप देख सकते हो ये। आगे में ये ग्रीन बेल्ट एरिया हो गया, यहाँ भी आप कार पार्क कर सकते हो। ये आपका रैंप एरिया हो गया, जो कि आप देख सकते हो ये। मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट बेडरूम, आप देख सकते हो इसमें भी ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया। टाइल्स काफी अच्छी लगी हुई है, कलर की डिजाइन भी काफी अच्छी है टाइल्स की, और यहाँ पे फॉल सीलिंग का प्रोविजन भी आपको मिल रहा है, फैन भी मिल रही है आपको इसमें, एसी का प्रोविजन भी मिल रहा है। ये टेक्सचर वाल हो गया है, और इसे यहाँ पे ये वार्डरोब एरिया हो गया, जो कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको। दोनों साइड वार्डरोब बनी हुई है, जो कि आप देख सकते हो ये, और इससे अटैच ये वॉशरूम है। इसमें फिटिंग सारे आपको जैगवार के लगे हुए हैं, वैनिटी मिल रही है आपको इसमें, जो कि आप देख सकते हो ये। और प्लीज फ्रेंड्स, आप लोग भी मेहनत करता हूँ, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, और प्लीज वीडियोस को पूरा देखो, उसे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। और यहाँ देखो ये शावर एरिया हो गया, फिटिंग सारे जैगवार के इसमें। और यहाँ पे वार्डरोब भी काफी बड़े साइज की है, मैं दिखाना चाहूंगा आपको, काफी बड़े साइज की वार्डरोब है। और सारे ये सॉफ्ट क्लोज है, जितने भी हैं सारे सॉफ्ट क्लोज है। और ये इससे अटैच्ड ये फ्रंट बालकनी हो गया। इस रूम में भी आपको डोर्स लगी हुई है, विंडो का प्रोविजन भी मिला हुआ है प्रॉपर, आप यहां से ये खोल सकते हो, इसको आप प्रॉपर यहां से खोल सकते हो, प्रॉपर एयर लाइट आपको इससे आएगी। और ये इसका डोर हो गया, डोर्स में पूरी मार्बल का काम करा गया है, जो कि आप देख सकते हो ये रेलिंग भी काफी बड़े साइज की है ये। यहाँ पे ग्रीनरी काफी बड़ा हुआ है, जो कि आप देख सकते हो ये। और ये आपका रैंप एरिया हो गया, मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम।
या मूविंग ऑन टू द सेकंड बेडरूम, ये इसका सेकंड बेडरूम है जो आप देख सकते हो। इसमें पूरे में फ्लोर टाइल्स का काम करा गया है। इसमें सामने में विंडो का प्रोविजन भी है, गेट का भी प्रोविजन दिया हुआ है। इसमें प्रॉपर ये खुल भी सकता है और यहाँ पे प्रॉपर आपको फैन, ऑरियंट की फैन भी मिल रही है, एंटी डस्ट, ये एसी का प्रोविजन भी मिल रहा है। यहाँ टेक्सचर वॉल भी मिल रही है आपको एक, और ये इससे अटैच्ड ये वॉशरूम है जो कि आप देख सकते हो। इसमें भी वार्डरोब का प्रोविजन मिल रहा है, ऊपर तक इंटैक्ट है। और ये इसका वॉशरूम है, इसमें वैनिटी भी मिल रही है आपको, जैगवार के सारे फिटिंग्स हैं। और इसमें भी आप देख सकते हो ग्लास लगी हुई है, प्रॉपर शावर एरिया है। इसमें भी आपको विंडो का प्रोविजन है, वॉल माउंटेड कमोड है, ये भी जैगवार की फिटिंग्स है, जैगवार के हैं। इसमें एक बार मैं दिखाना चाहूंगा इसका साइज, ये भी काफी बड़े साइज का है जो कि आप देख सकते हैं। ये काफी बड़े साइज का ये वार्डरोब है, ऊपर तक इंटैक्ट है जो कि आप ये देख सकते हो। ये सारे सॉफ्ट क्लोज हैं, और नीचे में भी पूरे में फ्लोर टाइल्स का काम करा गया जो कि आप देख सकते हो। ये मूविंग ऑन टू द बैक साइड बालकनी, इसमें आप देख सकते हो फ्लोर्स में पूरे में मार्बल का काम करा गया है। इसमें रेलिंग भी काफी बड़े साइज की है, ये वहां तक है। और ये बैक व्यू हो गया, मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, ये इसका थर्ड बेडरूम है। इसमें देख सकते हो फ्लोर में वुडन फ्लोरिंग करा गया है, इसमें पूरे में वुडन फ्लोरिंग करा गया है। इसमें आपको फॉल सीलिंग का प्रोविजन मिल रहा है जो कि आप देख सकते हो। ये बड़े साइज की ये विंडो का प्रोविजन है, डोर्स का प्रोविजन भी आपको मिल रहा है, इसमें एसी का प्रोविजन मिल रहा है इसमें आपको। और ये इसकी बड़े साइज की वॉशरूम में जो कि देख सकते हो, फ्लोर में फ्लोर टाइल्स लगी हुई है, इसमें फिटिंग सारे जैगवार के हैं। इसमें यहाँ पे भी आपको सारे जैगवार के वॉल माउंटेड कमोड लगी हुई है, वैनिटी का भी प्रोविजन दिया गया है। इसमें टॉप पे मार्बल का काम करा गया है। इसमें बाउल शेप का इसमें वॉश मशीन है जो कि आप देख सकते हो। ये एक बड़ी में कराता हूँ वॉक अराउंड इसका वॉशरूम का। फ्लोर टाइल्स में पूरी में लगी हुई है और वॉल टाइल्स में भी पूरा उन्होंने काम करा है। शावर एरिया हो गया, फिटिंग सारे जैगवार के। इसमें मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी, इससे अटैच है ये बैक साइड बालकनी जो कि आप देख सकते हो। ये सारे में मार्बल का काम करा गया, फ्लोर्स में रेलिंग सारे इसमें जस्ट आयरन की दी हुई है प्रॉपर। फ्लोर्स में पूरे मार्बल का काम करा गया है जो कि आप देख सकते हो। ये कुछ व्यू हो गया, व्यू भी आप देख सकते हो। मूविंग ऑन टू द किचन एरिया, ये अटैच्ड ये वार्डरोब जो कि आप देख सकते हो, साइज काफी बड़ा, ऊपर तक इंटैक्ट है। एक बार मैं दिखाना चाहूंगा आपको साइज इसका वार्डरोब का, काफी बड़े साइज की ये वार्डरोब है जो कि आप देख सकते हो। ये सारी है सॉफ्ट क्लोज है, जितने भी हैं सारे सॉफ्ट क्लोज है ये। मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया जो कि मैं दिखाना चाहूंगा कि ये हो गया लॉबी एरिया डिजाइन, आप देख सकते हो लॉबी एरिया का। फ्लोर्स में इटालियन मार्बल का काम करा गया है पूरे में। दो फैन का प्रोविजन दिया हुआ है, ऑडियंट के फैन है, एसी के प्रोविजन दिए हुए हैं सारे कुछ। और ये इसका डोर का डिजाइन हो गया, फ्रंट डोर का जो कि आप देख सकते हो। इसमें मूविंग ऑन टू दी किचन एरिया, ये इसका किचन एरिया है। फ्लोरिंग में सारे में इटालियन मार्बल का काम करा गया जो कि आप देख सकते हो। ये किचन देखने में काफी खूबसूरत है, ये फिटिंग सारे से मिल। यहाँ पे फ्रिज का स्पेस हो गया जो कि आप देख सकते हो। ये यहाँ पे पैंट्री एरिया बन जाएगा, यहाँ पे ओवन के लिए स्पेस छोड़ा गया है। और ये सारे इसके बॉक्सेस हैं जो कि आप देख सकते हो, ये पूरे बॉक्सेस बने हुए। यहाँ पे चिमनी का प्रोविजन है, नीचे सारे में मॉडल किचन पूरी बनी हुई है। ये यहाँ फिटिंग सारे जैगवार के रहेंगे आपके। और यहाँ पे जो है सारे बने हुए हैं ये रखने के लिए सारे स्पेस। और यहाँ पे आपकी ये आ जाएगी
हॉब, यहाँ पे हॉब का स्पेस बना हुआ है और यहाँ विंडो का प्रोविजन भी आपको मिल रहा है। इसमें काफी स्पेसियस है ये, जो कि आप देख सकते हो नीचे। तो फ्रेंड ये था जे ब्लॉक पालम विहार 270 स्क्वायर यार्ड 3 BHK। प्राइस और मैं सारा कुछ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा ये वीडियो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूंगा आपके लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।